वहीं इसके खतरे भी बढ़ गए हैं कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी को कोई हैकर, कोई साइबर क्रिमिनल चुरा न ले। हैकर्स के पास अब बहुत से रास्ते हैं जिससे वह हमारी जानकारी चुरा कर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। हम आपको ऐसे 6 तरीके बता रहे हैं जिनसे आपके आंकड़े चुराए जा सकते हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, फिशिंग। फिशिंग दरअसल एक फ्रॉड ईमेल है जिसकी मदद से आपसे आंकड़े मंगाए जाते हैं, डिटेल्स मंगाई जाती है। ये देखने में असली जैसा ही लगता है। हैकर फिशिंग ईमेल के जरिए आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो आपके फायदे के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी या अन्य आंकड़े मांग रहा है। मसलन आपके बैंक की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड बैन हो गया, खराब हो गया है, रद्द हो गया है, और कार्ड नंबर या आधार नंबर बताने पर ही आपको नया कार्ड भेजा जाएगा, जारी किया जाएगा। आपको लग सकता है कि बैंक ने यह जानकारी आपसे मांगी है, लेकिन यह काम हैकर कर सकता है। कैसे चोरी होती है जानकारी? फिशिंग ईमेल में एक लिंक होता है जिस पर आपको क्लिक कर नकली वेब पेज पर ले जाया जाता है। अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आप वहां अपने अकाउंट की जानकारी दर्ज कर देंगे, भर देंगे, और यह हैकर के सर्वर में चला जाएगा। इसके बाद हैकर इन जानकारियों का मेल दिखे ताकि वो एकदम वास्तविक लगे, तो इस पर ध्यान दीजिए। किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें अगर कोई संदिग्ध ईमेल दिखे तो। बिल्कुल क्लिक न करें। साइबर क्रिमिनल्स आमतौर पर आपको सुरक्षा के खतरे की धमकी देते हैं, ऐसे झांसे में बिल्कुल ना आएं। स्थिति पर अपना दिमाग लगाएं और इसके बाद अपने वित्तीय संस्थान से बात करें, बैंक से, किसी भी से, जिसका भी वो अकाउंट है उसे पहले बात करें फोन लगाकर, तभी कंफर्म हो। नंबर 2, यानी कि तरीका नंबर 2 जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, मालवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर मालवेयर है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या आंकड़े की चोरी के लिए बनाया जाता है। यह प्रोग्राम संवेदनशील आंकड़े चुराने, उसे डिलीट कर देने, सिस्टम के काम करने का तरीका बदल देने और सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति पर नजर रखने जैसी एक्टिविटी कर सकता है। आपके सिस्टम में यह प्रोग्राम कई तरीके से इंस्टॉल हो सकता है, कोई आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या पायरेटेड OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अनजाने लिंक पर क्लिक करने से या नकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है। कितने तरह के होते हैं ये मालवेयर? वायरस, ये किसी सॉफ्टवेयर को प्रभावित करने से लेकर सिस्टम के कामकाज पर असर डालने में सक्षम है। यह खुद को डेटा, फाइल, प्रोग्राम या बूट सेक्टर की तरह बदलने में सक्षम होता है। ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाकर फाइल सिस्टम तक आपकी पहुंच को मुश्किल बनाता है। ट्रोजन, यह आपके सिक्योरिटी सिस्टम से परे जाकर बैकडोर बनाता है जिससे हैकर आपके सिस्टम पर नजर रख सकता है।